बात करेंगे नीमच की, जहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातक उत्तर महाविद्यालय में लापरवाही का मामला सामने आया, जिसमें बता दें कि एलएलबी के सेकेंड सेम का पेपर निरस्त होने के बाद भी परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में बिठा लिया गया, कॉपी और पेपर वितरण कर परीक्षा लेना शुरू भी कर दिया गया था, जिसके चलते पेपर लीक हो गया। उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया और उल्टा परीक्षा अधीक्षक को छात्रों पर कॉपी और पेपर लूटने के आरोप में फंसाने की धमकी दी है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इसमें त्रुटिपूर्ण गलती होने से ये लिफाफा खोला गया, इसको सुधारा गया, जो पेपर दिए गए थे वापस लिए गए हैं, उसको सील कर दिया गया है और तत्काल विश्वविद्यालय को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। और यह पेपर जो है संशोधित समय सारणी के अनुसार 10 सितंबर 2024 को होना प्रस्तावित है। प्रदर्शन डॉक्टर बी के अम्ब सर है, जो यहाँ के परीक्षा नियंत्रक है पीजी कॉलेज के। आज एलएलबी की जो पेपर है वो 20 तारीख को निरस्त हो गया था। यहाँ के हेड है, उन्होंने आज, उनको पता ही नहीं है कि 20 तारीख को ये पेपर निरस्त हो गया और बच्चों के एग्जाम करा रहे हैं। 24 तारीख का उन्होंने रोल नंबर चस्पा यहाँ चिपका दिया, तो बच्चे क्लास में जाके बैठ गए। क्लास में बैठने के बाद बच्चों ने आधी आंसर शीट में आंसर लिख दिए, उनके बाद उन बच्चों से कॉपी छीन कर उनसे ये बताया जा रहा है कि आपकी परीक्षा निरस्त हो गई है। तो यहाँ के जो हेड है उनकी गलती है, जब बच्चे उनसे बात करने गए तो उन बच्चों से ही बोल रहे हो आप कॉपियाँ लूटने आए हो। हमारे पास इस वीडियो भी हमने उन सर की बनाई है और सर का मतलब सर बच्चों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर कार्रवाई हो, सर के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से बच्चों का भी समय बर्बाद हुआ और साथ ही उन्हें बच्चों को धमकी दी गई कि भैया आप कॉपी पेपर लूटने आए हैं। यहाँ के प्राचार्य ने बोला, सीएस ने बोला कि इसके आगे खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे उन जो सेंटर हेड है, पर उसके ऊपर आप देखते क्या होता है।